हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। मैं आपका अपना दीपू पटवाल स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आज की इस न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, बने रहना, मज़ा आएगा। तो शाम के बज चुके हैं 5:30 और आज मैं चलता हूँ जंगल की तरफ। देखो मैं आपको गांव दिखा देता हूँ कितने नीचे है। तो गांव बहुत नीचे है, यहाँ से हम अभी आए हैं ऊपर इतने जंगल में। जंगल में क्या करने आए हैं, हम आए हैं जंगली मुर्गी देखने। ठीक है, देखने क्या, दोपने मतलब जाल बिछाने। जाल बिछाना तो हमें आता नहीं है, पर हम घात लगा के देखते उन्हें कि क्या कहाँ चरते हैं। पहले वो चरते हैं, फिर शाम को जब अंधेरा हो जाता है वो पेड़ में बैठते हैं। तो मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम उनको पकड़ते हैं। ठीक है, ऊपर तो हम आ चुके हैं गाँव से, गाँव बहुत नीचे है, देख सकते हैं आप। तो चलो अमित, मेरे साथ अमित हैं। हम ऐसे नहीं है कि एक बंदे का ग्रुप है, एक बंदा अकेला जाता है, अलग अलग जाते हैं सारे बंदे। दो बंदों का ग्रुप अलग गया होगा, दो बंदों का अलग, दो बंदों का अलग, ऐसे जाते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम धार में हैं, थोड़ा बहुत अंधेरा होने का इंतज़ार करेंगे। धार से चढ़ाई चढ़ते हुए हम ऊपर जाएंगे, हम बैठते हम छुप के देखेंगे उन्हें। एक बंदा अलग बैठ जाता है, एक अलग बैठ जाता है, इस तरीके से। मतलब जैसे एक बंदा यहाँ बैठ गया जहाँ ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, यहाँ बैठ जाएगा। एक बंदा इस धार के पल्ली तरफ इस साइड बैठ जाएगा। आज हम जहाँ आए हैं यहाँ, पता यहाँ जंगली मुर्गियाँ तो मिलती नहीं है, पर आपने थोड़ा जंगली मुर्गियों से बड़े होते हैं वो नाम सुना होगा। नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ, चीड़ बोलते हैं हम उसे, चीड़। तो उनको दूसरा ना फकरास भी बोलते हैं, फकरास। तो आज अगर मुंह के सामने दिख जाते हैं तो मैं आप सभी को बता दूंगा, अगर नहीं दिखते तो मैं पूरी डिटेल में बता दूंगा कि वो किस हिसाब से आते हैं, चलते हैं, बैठते हैं। ठीक है, अभी हम जहाँ हैं ना वो वहाँ अभी होंगे नहीं, पता जैसे ही हल्की हल्की से रात होने वाली होगी ना, तो वो पल्ली धार से दूसरी पहाड़ी से उड़ के सीधे यहाँ आती है। कई जगह उनकी परमानेंट होती है और अक्सर उसी जगह आते जाते रहते हैं, मतलब कि उसी जगह बैठते हैं। एक बार हम पहले भी आए थे तो पता उस टाइम वो उनका सीज़न नहीं था पेड़ों में बैठने का, उस टाइम वो ज़मीन पे ही झाड़ियों में बैठते थे। जो जंगली मुर्गियाँ हैं ना वो जैसे ये देखो पहाड़ी है ना, इस टाइप की इलाकों में नहीं बैठेंगी, मतलब जहाँ पे बिल्कुल तगड़ा सा भ्याल बोलते हैं हम, पहाड़ी होती है ना बिल्कुल ख़तरनाक वाली, उस जगह पर मुर्गियाँ, जंगली मुर्गियाँ कभी नहीं बैठेंगी, क्योंकि वो मुर्गियाँ हैं ना जो वो झाड़ियों में ही बैठती हैं। और जो ये फकरास होते हैं वो हमेशा ऐसे ऐसे जगहों पर बैठते हैं, पेड़ों में ही बैठेंगे। बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना जो घने घने और बड़े बड़े, और ऐसी जगह पर बैठेंगे जहाँ पर इंसान का जाना लगभग लगभग नामुमकिन होता है, ऐसी जगह पर चीड़ बैठते हैं। ये काम रिस्की होता है काफ़ी, पर मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना लेता हूँ। मैं आया तो था, पहले भी मैं आता था, पर पहले मैंने वीडियो कभी बनाई नहीं है, आज मैं वीडियो बना लेता हूँ। सोचा कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर हो जाए। कुछ जगह उनकी परमानेंट होती है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो वो हमेशा उसी जगह में आते हैं। अभी पता वो यहाँ होंगे नहीं, अभी वो इस पहाड़ी के पीछे, इस वाली के ऊपर जो दिख रही है उसके पीछे हल्के सुबह से चढ़ने चढ़ते 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 इधर से उधर करते रहते हो। अभी जैसी रात होने वाली होगी तुरंत दूसरी पहाड़ी से उड़ के इस पहाड़ी पे, अभी दिखाता हूँ, ऐसी जगह है वहाँ आदमी का जाना नामुमकिन हो जाता है। हम लोगों का जीवन बसर बचपन से इन पहाड़ों में ही हुआ है, तो हमारे लिए ये ज़्यादा कठिन काम नहीं है, क्योंकि जब भी जंगल हम घास लकड़ियों के लिए जाते हैं तो इस टाइप के पहाड़ हमें पार करने ही पड़ते हैं। तो मैं भी आप सभी को उनकी जगह बता देता हूँ कि वो कहाँ पे आ सकते हैं, मतलब आते हैं, कुछ जगह उनकी परमानेंट होती है। अभी दिखाता हूँ आप सभी को, ये जो ये सामने जो आपको खड़ी पहाड़ी दिख रही है, ये वाली इसके पीछे जो पेड़ दिख रहे हैं ना, ये वाले इनमें भी बैठते हैं
और ये सामने वाले हैं, और ये जो मेरे ठीक सर के ऊपर ये पेड़ दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये इनके ऊपर भी कुछ सारे पेड़ हैं, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। और बिल्कुल ऊपर टॉप पे वहाँ पे भी उनकी जगह है बैठने की। अभी अंधेर होने में काफ़ी टाइम है, अभी टाइम हो रहा है 6 बज गए हैं, अभी काफ़ी टाइम है। मैं इस तरीके से यहाँ पे झाड़ी के पीछे मैं छुप जाऊँगा, और मेरा साथी अमित दिखाता हूँ उसको, मैं ये जो सामने वाली पहाड़ी दिख रही है यहाँ भेज दूँगा, और जो मेरे साथ के दो और हैं वो उस साइड इधर ये ऊपर वाली पहाड़ी दिख रही है, यहाँ भेज रखा है। वो दोनों अलग हैं, उनका ग्रुप अलग है और हमारा अलग है। इस साइड जहाँ हम जा रहे हैं, भगवान ना करे बाघ दिखे, पर परसों रात को नीचे से साफ टॉर्च मारे जब हमने घर से, तो दो बाघ एक साथ थे, साफ दिखाई दे रहे थे। जो हमारे गांव के पुराने पुराने लोग थे ना, वो यहाँ जंगल में भी रहते थे। देखिए घर दिख ही रहा है, टूट फूट गया है पूरा, पहले यहाँ भी रहते थे, देख सकते हैं आप। ये देखिए सामने वाला घर, और दो चार घर ठीक वो सामने वाली पहाड़ी पे हैं, दिखेंगे नहीं क्योंकि अभी पेड़ है यहाँ पे, वो दिखेंगे। इस घर के सामने, जिसके सामने मैं पहुँचा हूँ, ये वाला देख सकते हैं टूट फूट गया है काफ़ी सालों से, मतलब काफ़ी टाइम हो गया इसे टूटे हुए। तो ये घर तो नहीं है, पर ये छन्नी रही होगी पक्का, जिसमें गाय रहते हैं ना, गाय भैंस गौशाला, वो रही होगी पक्का, छन्नी रही होगी। और सामने वाली पहाड़ी पे यहाँ पे ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला पेड़, इसके ठीक पीछे घर हैं दो तीन, अब वहाँ कोई नहीं रहता है। तो यहाँ जो गांव के पुराने लोग थे, काफ़ी ऊपर ऊपर भी, मतलब जंगलों में भी घर हैं उनके, पहले बनाए, मतलब पहले रहते थे वो यहाँ। तो तो ये हो गया है पूरा, खंडर हो गया है पूरा ये। अब धीरे धीरे रात होने वाली है, मैं एक जगह पे बैठ जाता हूँ, अपनी जगह ले लेता हूँ, फिर किसी भी टाइम वो उड़ के यहाँ आ सकते हैं। जंगली मुर्गी और फकरास, मतलब चीड़ बोलते हैं उसे वैसे, पर फकरास ज़्यादातर उसका नाम फेमस है। उन दोनों में मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। जंगली मुर्गी का तो आपको पता ही होगा कैसी होती है, नॉर्मल मुर्गी की जैसे होती है, हल्की सी होती है वो, मतलब वजन में भारी नहीं होती, पूंछ थोड़ी सी हल्की लंबी होती है। और जो फकरास होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, जो जंगली मुर्गी होते हैं उससे काफ़ी बड़े होते हैं, सर इतना बड़ा होता है, लाल सा सर होता है, और थोड़े चोंच सी ऊपर सी यहाँ सर के ऊपर बाल होते हैं लंबे लंबे इतने से, और पूंछ होती है उनकी काफ़ी लंबी होती है, कम से कम एक एक मतलब हाफ मीटर तक तो उनकी पूंछ होती है, दूर से ही दिख जाता है अपने आप ही। काफ़ी टाइम हो गया है, अमित चला गया है दूसरी तरफ, और मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, टाइम होने वाला, अंधेरा हो जाएगा आधे घंटे में। देखिए गांव देखिए कितना नीचे है, बहुत नीचे है यहाँ से, तो मैं बैठ जाता हूँ। अगर आपकी और मेरी किस्मत में आज होंगे तो दिख जाएंगे, मैं आप सभी को भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जिस जगह पर मैं बैठा हूँ, ये सामने ठीक पीछे जो पेड़ दिख रहे हैं चार पांच, इनका ये परमानेंट अड्डा है, यहीं पे ये बैठते हैं। पता कभी कभी तो ये ना मुंह के सामने भी आ जाते हैं, मतलब दिख जाते हैं कभी, तो गलती से दिख गए ना तो कभी नहीं बैठेंगे पेड़ में, तो ऐसे छुप के बैठना पड़ता है झाड़ियों के अंदर। तो सिर्फ जब ये पेड़ में बैठते हैं ना, इनको देखने का तरीका ये है, जब ये पेड़ में बैठते हैं तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, मतलब जब ये उड़ के जाते हैं ना सीधा पेड़ में, तो आवाज़ बहुत ज़ोर से आती है। तो अगर अभी दिखेंगे तो सुनाऊंगा आप सभी को, ठीक है। सामने वाली पहाड़ी से आवाज़ आ रही है, मैं अभी आपको सुनाता हूँ अगर आएगी यहाँ से तो, क्योंकि उस वाली पहाड़ी पर है वो, एक सेकेंड। आप लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी ली होगी हल्की हल्की सी, वो पहले बैठने से पहले हमेशा वो चिल्लाते हैं, तो पता लग जाता है वो कहाँ बैठेंगे। जहाँ पर मेरी जगह है मैं वहाँ पर बैठ चुका हूँ, अब जब आएंगे तो पता लग जाएगा यहाँ से।
लगभग अंधेरा हो ही गया है। मैंने टोपी को बिल्कुल ऊपर कर दिया है, कानों से ऊपर, क्योंकि अगर टोपी नीचे रहेगी ना तो सुनाई नहीं देता, अगर दूर बैठेंगे ना कहीं तो सुनाई नहीं देता, तो ऐसे में सुनाई देगा बिल्कुल क्लियर। गांव देखिए, गांव कितने नीचे है, बिल्कुल यहाँ गांव भी पूरा सुनसान हो चुका है, सारे लोग घरों में आ गए हैं, हम काफ़ी ऊपर हैं अभी भी। इस साइड तो मुझे लग रहा है मुश्किल ही आएंगे, क्योंकि जब भी अभी मैंने आवाज़ सुनी थी, आपको भी सुनाई थी, तो आवाज़ उस साइड आई थी, वहाँ अमित जा रखा है, तो यहाँ नहीं आएंगे तो वहाँ पक्का आएंगे, अमित देख लेगा उनको। जंगली मुर्गी हो या चीड़ हो, उनको ना फंसाने के कई तरीके हैं, मतलब चीड़ को तो आप ऐसे फंसा नहीं सकते, बस इस तरीके से ही फंसेगा, देखने पड़ते हैं कि किस पेड़ में बैठा है रात को, फिर रात को आओ या गुलेल से मारो किसी से भी, बस सीधे घर लेके जाओ, फिर चिकन डिनर करो घर जाके। फिर जो होता है ना, मुर्गी होती है जंगली मुर्गी, उनको फंसाने के लिए वो लोग जाल बनाते हैं, तो वो जाल बनाना तो हमें आता नहीं है, फिर हम इसी तरीके से उनको देखते हैं। अरे यार काफ़ी अंधेरा हो चुका है, वो जंगली क्या बोलते हैं, काकड़ होता है ना, काकड़, तो काकड़ वहाँ से आवाज़ें मार रहा है, अभी सुनाता हूँ, अगर सुनने में आएगा यहाँ तक तो ठीक है। तो सुना आप सभी ने, इस तरीके से वो आवाज़ मार रहा है, तो अंधेरा काफ़ी हो चुका है, ठीक 6:30 बज गए हैं, तो अभी इनका तो कुछ अता पता है नहीं, तो मुझे लग रहा है आज वो शायद उसी साइड बैठ गए होंगे जहाँ अमित और हैं। 6:30 से वो साढ़े छः से और 7:45 के बीच में उनका टाइम है बैठने का, इस टाइम पे वो बैठेंगे, इसके बाद वो कभी नहीं बैठते, इसके बाद वो अंधेरा हो जाता है, आँखें दिखती नहीं, तो वो ज़मीन में ही रहते हैं झाड़ियों में। अब पहाड़ों में ठंड काफ़ी कम हो चुकी है, पर अगर ऐसी हवा चलेगी तो फिर ठंड तो लगेगी। अरे यार आज शायद मेरी किस्मत में भी नहीं है और आपकी भी नहीं, इधर तो आए नहीं, वो शायद दूसरी साइड जहाँ वो चिल्ला रहे थे उसी साइड होंगे, अमित और गए हैं वहाँ, और दो बंदे और हैं, उन्होंने देख लिया होगा, पेड़ में देखना पड़ता है, इनके स्पेशल पेड़ होते हैं, ये पेड़ों में ही बैठते हैं बस। टाइम 6:40 हो चुके हैं, अभी भी वो पेड़ों में नहीं बैठे, अभी भी चिल्ला ही रहे हैं, गाँव को देखिए, लाइटें पूरा अंधेरा हो चुका है, लाइटें भी ऑन हो चुकी है सबकी, पर ये चीड़ कब बैठेंगे भाई, अगर आवाज़ें आ रही हैं तो आप सुन सकते हैं, इस वाली पहाड़ी पे आवाज़ें कर रहे हैं, यहाँ इस साइड दिख नहीं रहा होगा क्योंकि अंधेरा हो गया है काफ़ी, शायद बैठ चुके हैं पेड़ में, अब मैं उस साइड चला जाता हूँ जहाँ अमित हो रहे हैं। भाई ये रास्ता इतना बारीक है ना, देखिए दिख भी नहीं रहा होगा, यहाँ से थोड़ा सा ही पैर फिसला ना, सीधे आदमी वहाँ चला जाएगा नीचे जहाँ परसों मंदिर में प्रोग्राम हो रहा था। चलो चले, तो यहाँ तो हमें मिले नहीं, पर हमारा जो अगला बंदा था दूसरी साइड, उसने देख रखे हैं, अब हम यहाँ से घर जा रहे हैं, पूरा अंधेरा हो रखा, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलिए फिर एंड करता हूँ ब्लॉग को यहीं पर, फिर मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, अगर चिकन डिनर हुआ तो आप सभी भी आ जाना, और नहीं हुआ तो अगली बार जब आऊँगा तब आप सभी को दिखा दूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।